अस्सलाम वालेकुम जी। एक दिन में दूसरी वीडियो, क्योंकि दो मैच थे, आपको पता है, एक सुबह वाला मैच थे तो तीन मैच। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक, नया अंडर 19 का चैम्पियन बना और बहुत बड़े मार्जिन से जीता। वो इतना मैच ज़्यादा नहीं देखा तो उस पर मेरे ख्याल है ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से बांग्लादेश बोर्ड को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया, और दुबई को, एमिरेट्स की टीम को भी मुबारकबाद जो फाइनल में पहुंची। आज जी दूसरा मैच हुआ, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। इंडिया ही बोलूँगा क्योंकि मैंने कल भी अपनी व्लॉग में ये बात कही थी कि साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर है ऑन पेपर बनिस्बत इंडिया के, लेकिन इंडियन टीम ने चारों चाने चित कर दिया। मेरा ख्याल है कि अगर बॉलिंग में दो ही आदमी, हर्षदीप और अविश खान, उड़ा दिया उन्होंने। आप भी देखें 27.3 ओवर्स में उन्होंने पूरे 116 पे साउथ अफ्रीका की टीम को उनके ग्राउंड में सुलाया, ये क्रिकेट की जुमला बोलना, सुला दिया। और इंडिया ने आराम से 16 ओवर में 117 रन बनाए, जिसमें सही प्रदर्शन जिसको आईपीएल में देखा था, बिलियन 55 करे उसने, और अय्यर को तो सभी जानते हैं कि क्लास प्लेयर है, उसने 52 करे, तो 8 विकेटों से आसानी से मैच जीत लिया। कल करूँगा प्रोग्राम के क्या वजूहात हैं कि इंडिया की टीम किस प्रोसेस में जा रही है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम किस प्रोसेस से आई और कहां पे जा रही है, ये कल करूंगा प्रोग्राम। थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं। आज हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोलने में हफीज से कोई जीत नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि वो जो बातें करता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, बोलता तो सही है लेकिन अब उसने एक जुमला ऐसा बोल दिया कि हमारे पास ऑप्शन बहुत है। ऑप्शन तो बहुत महदूद है, कहाँ से ऑप्शन है, बैटिंग में क्या ऑप्शन है सिवाय रिजवान के? साहिब अयूब को तो अभी नहीं खिलाएंगे और खिलाना भी नहीं चाहिए, न्यूजीलैंड सीरीज में खिलाया उसको T20 में, तो ऑप्शन क्या है? क्या शाहीन आफरीदी को रेस्ट करा के मीर हमजा को खिलाएंगे? नहीं, ऑप्शन इतने नहीं है दादा। आपका ऑप्शन क्या है कि नुमान अली खेलेगा या अब्रार खेलेगा या साजिद खान खेलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि लोग सवाल नहीं करते, ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है, महदूद हैं, क्योंकि प्लेयर ही है ना, प्लेयर्स बनाए नहीं गए। हमारे यहाँ कभी भी कोई भी टूर हुआ हो, अगर नेपाल से भी मैच हुआ है या अफगानिस्तान से भी मैच हुआ है, तो यही टीम खेली है और यही खेलेगी। हाँ, अब जब न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस होगी ना, फिर हम देखेंगे कि नए प्लेयर्स आया उसमें इंडक्ट होते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है होंगे, जिस तरह वहाब का, कामरान का, असद शफीक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि वो जो बात करते हैं, डिफरेंट टीवी पे भी बैठ के बात करी है उन्होंने, वैसे भी अगर आप उनसे मिलें तो वो यही बात करते हैं कि हमें टीम डेवलप करनी है, टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए। तो मेरा ख्याल है T20 में तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डिफरेंट लड़के नज़र आएंगे, और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा सकते हैं, हराया है पहले भी, हरा सकते हैं, लेकिन लेट्स सी के, क्योंकि नया कप्तान होगा शाहीन वहाँ पे, उसकी क्या पॉलिसी है वो देखेंगे। सिर्फ छोटी सी बात ये कहूँगा कि इस वक्त इंडिया की टीम अभी T20 भी 1-1 से बराबर करी उन्होंने, और ये वाला मैच बहुत आसानी से जीता। जुमला जो कहा था वो ऑन पेपर साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम है, परफॉर्म नहीं कर पाए अपना, दोनों बच्चों ने, अर्शदीप ने और अवेश खान ने चारों शाने चित कर दिया, रेत की दीवार साबित हुई उनकी बैटिंग, और बड़े बड़े नाम, माकरम तो, कलासन तो, मिलर, हैंड्रिक, सबको उड़ा दिया। अच्छी चीज़ है जी, लेकिन वेकअप कॉल उनके लिए भी है, साउथ अफ्रीका के लिए भी, ये दो बॉलर्स नहीं उड़ा दिए। हालांकि मुकेश ने आउट नहीं करे, कुलदीप ने एक आउट करा, लेकिन बात तो है ना कि 50 ओवर के मैच में 27 ओवर में पूरी टीम आउट हो जाए और आराम से 8 विकेटों से चेस कर जाए,
बिल्कुल अपोजिट, जिस तरह पाकिस्तान आज 31 ओवर में आउट हुआ ना और 360 रन से हारा है, बड़ी मार्जिन से हारा है। मेरे ख्याल है इतना बड़े मार्जिन से कभी हारे नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया में, हारे होंगे तो बहुत पहले हारे होंगे, लेकिन जो एक फाइट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। क्योंकि हमारे, माफ़ी के साथ करूँगा तो कल प्रोग्राम, हमारे यहाँ क्रिकेट से अपने आप को बड़ा समझते हैं लोग, चाहे वो प्लेयर हों चाहे हमारे जो अभी नए चेयरमैन लगे जका साहब, उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। क्रिकेट कहाँ जा रही है, हमारी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो डिपार्टमेंट की टॉप क्लास जहाँ से सारे प्लेयर्स आते थे, वो पहले इनिंग्स 80 ओवर तक महदूद करती है। अब 80 ओवर महदूद करने का क्या मतलब है, भंड भंड बोलते समझते ना, कि वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ जिन्होंने कभी, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिसकी वजह से कोई बदतमीजी वाला हो जाए। लेकिन ये बोर्ड रहा तो हमारी क्रिकेट और भी नीचे जाएगी, चाहे लोग बोलते ना हॉकी बन जाएगी, तो ये इनकी सोच ही नहीं है, नाम किसी और का है, चला कोई और रहा है। अब पता नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कब, अभी उन्होंने एक्सटेंशन दी है कोई एक महीना पहले, अब वो कब फैसला करेंगे कि भाई कोई ऐसे बंदे को लाए जिसको क्रिकेट का पता हो, जिसका विजन बड़ा हो, इम्प्लीमेंट करे। छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक को 50 लाख दे रहे हैं, एक को 6 लाख रुपए दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हालांकि प्लेयर 6 लाख वाला बड़ा है और पहले बैटिंग कोच रह चुका है, उसको बैटिंग कोच नहीं लगा दिया, एडम हॉलीवुड को लगा दिया, तो आज सुबह वाली बात कर ली। लेकिन जी इंडिया को बहुत बहुत मुबारक, जिस वे में वो क्रिकेट को लेके जा रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, उन्हें हार से डर नहीं है, उनके यहाँ उनका जो स्टार है ना इंडिया, वो उसकी वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है, इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे यहाँ ये हो रहा है। पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे वरना नहीं, जो गलत है। मुल्क के लिए आपको हर चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पता नहीं कौन लोग हैं, यूनुस खान आएगा या शुएब अख्तर आएगा तो बात बनेगी, अदरवाइज तो अगर यही सिस्टम रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब मैंने सिर्फ एक वेट करना, कल करूँगा एनालिसिस, क्या इंडिया की टीम में किस तरह बेहतरी आई है। हालांकि इतना बड़ा इवेंट आ रहे हैं वर्ल्ड कप, 10 मैच जीतने के बाद एक मैच आ रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने एक अपना प्रोसेस बना लिया, उस पर जाना है, उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। हमारे लड़कों को डर है फेलियर का, हम 60 करते हैं 199 बॉल में, तो डर है ना कि हमारी जगह कोई बासित अली ना आ जाए, हमारी जगह कोई राणा टुंगा ना आ जाए, हमारी जगह कोई कोई भी अच्छा एग्जैक्ट प्लेयर ना आ जाए। और यार जब खेल रहे हो तो इतने सेंट्रल कॉन्टैक्ट में इतने पैसे मिल रहे हैं, क्यों डर के खेलते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ही होंगे ना, इंटेंट तो दिखाएं, इंटेंट नहीं दिखा रहा है। अब मुझे बताए ना साई में यूप थोड़ी जगह लेगा किसी ओपनर की, ज़्यादा से ज़्यादा सरफराज की जगह रिजवान खेलेगा, बाकी फास्ट बॉलर एक कम हो जाएगा, स्पिनर आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। डर है फेलियर से ज़्यादा है, और बिल्कुल अपोजिट इंडिया वालों को डर ही नहीं, बोलते जो भी आ जाए सामने। ऑस्ट्रेलिया आए अभी बच्चों की तरह मारा उन्हें 4-1 से, अभी ये सीरीज खेली, देखो ये सामने बैठा है बंदा आपके, जिसने एक दिन पहले कहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा बेहतर है वनडे 50 ओवर की जो ये सीरीज है, टेस्ट मैच पे इंडिया बोला था। अब यही लगता है कि बिल्कुल अपोजिट ना हो जाए कि T20 बराबर, वनडे भी इंडिया जीत जाए और शायद टेस्ट मैच अपोजिट ना हो जाए, लेकिन टेस्ट मैच में इंडिया की बहुत बड़ी टीम है, बॉलिंग भी और बैटिंग भी। चैलेंज कल करेंगे इंशाल्लाह पोस्टमार्टम, प्यारे लफ्जों में, बदतमीजी वाले मैंने, आप लोग के जो सवाल आते हैं वो अच्छे नहीं है, माफी के साथ। फैमिलीज कहिए ना, फैमिलीज के लिए मैं नहीं बोल सकता भैया, वो मेरी बेटियाँ भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, सबको राइट है लेके जाएं, और अपने पैसों से लेके जाते हैं, कोई बोर्ड के खर्चे में थोड़ी लेके जा रहे हैं यार, ऐसे सवाल ना भेजा करें प्लीज़, ये माफ़ी है। चलें जी इंशाल्लाह कल मिलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। 2 बॉलिंग में लोग थे और 2 बैटिंग में लोग थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका को सुला दिया। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।